देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी शहर की कई बड़ी समस्याओं को लेकर भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त से मिले कांग्रेसी। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भिवंडी मनपा आयुक्त से मुलाकात की। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के इंटक नेता सलाम शेख, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रुखसाना कुरैसी, अरसी आजमी, नगर सेवक सिराज मोमिन, नगर सेवक शकील पापा, नगर सेवक साजिद अंसारी, नगर सेवक साहब मोमिन, सलीम भाई और अन्य कांग्रेसी सहित शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर भिवंडी मनपा आयुक्त के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में एक खास बैठक हुई और उन्हें ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी कि भिवंडी कल्याण नाके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी चौक को दोबारा बनाया जाए। मालूम हो कि भिवंडी शहर के राजीव गांधी चौक से साई बाबा मंदिर तक शहर की इस मुख्य सड़क पर उड़ान पुल बनाया गया, जिसके कार्य शुरू होने पर कल्याण रोड पर बने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चौक को भी तोड़ा गया, जो कि कई वर्ष पुराना था। आपको बता दें कि मनपा आयुक्त से इसे दोबारा बनाने की मांग कांग्रेस के इंटक नेता सलाम शेख ने 25 दिन पहले भी की थी और एक ज्ञापन भी दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने मनपा आयुक्त से कहा कि बंजार पट्टी नाके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चौक के आसपास की भी जगह कम हो गई है और वहां पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्याएं काफी बढ़ गई है, जैसा कि धामनगर नाका, बंजार पट्टी नाका, कल्याण नाका, मंडई, ऐसी कई जगहों पर गाड़ियों का हमेशा जाम लगा रहता है। उन्होंने मनपा आयुक्त से कहा कि ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और बारिश खत्म हो जाने के बाद जैसा कि गर्मी शुरू हो गई है, ऐसे में गाड़ियों के चलने पर उड़ रही धूल मिट्टी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईगल कंपनी पर आरोप लगाते हुए मनपा आयुक्त से कहा कि ईगल कंपनी द्वारा शहर में ड्रेनेज लाइन के अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया जाए, जिसके कारण शहर की सभी सड़कों पर जगह जगह खड्डे दिखाई दे रहे हैं, उन खड्डों को भी जल्द से जल्द भरा जाए। महिला कांग्रेस महासचिव रुखसाना कुरैसी ने मनपा आयुक्त से पानी के मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए समद नगर एरिया का उल्लेख करते हुए कहा कि कहीं पर दो दिनों में एक बार पानी आता है तो कहीं तीन दिनों में एक बार पानी आता है, जबकि सभी जगहों पर बराबर पानी आना चाहिए ताकि लोग इस परेशानी से दूर हो सके। मनपा आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि वो इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करेंगे। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। मैं अभी मनपा आयुक्त से जो मुलाकात की, इसकी खास वजह क्या थी? देखिए, दो तीन काम था। एक बहुत बड़ा काम यह था कि कल्याण नाके पर राजीव गांधी जो चौक था, जब ब्रिज और उड़ा इसका क्या नाम है काम शुरू हुआ था, उस वक्त महानगर पालिका ने कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके ये वादा किया था कि अभी ब्रिज के काम में पिलर वगैरह जो आ रहा है उस पर हम कुछ दिन के लिए चौक हटा रहे हैं यहाँ से, तो चौक का जो क्या नाम है कंस्ट्रक्शन है वो निकाल रहे हैं। जिस दिन ब्रिज का काम कंप्लीट होगा हम जो है वहाँ पर राजीव गांधी चौक का निर्माण करेंगे और अच्छी तरह से खूबसूरत चौक बांध के देंगे। आज जो है कल्याण रोड राजीव गांधी चौक के ऊपर जो ब्रिज है, उड़ान पुल है, वो शुरू हो गया है और अभी तक चौक का कोई काम नहीं शुरू हुआ है। इस ताल्लुक से हमने कमिश्नर से कहा है, उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया है कि हमने कॉन्ट्रेक्टर को हमने प्लान किया है और आपको कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके उस चौक को किस तरह बनाया जाएगा इसके बारे में फाइनल फैसला होने पर फौरी तौर पर हम काम करेंगे। सर, मगर सवाल ये भी कि 25 दिन पहले भी ये मुद्दा महानगर पालिका में उठाया गया था कि वहाँ पर राजीव गांधी चौक का स्मारक बनाने के लिए जरूरी है, मगर अभी तक ऐसा कुछ काम दिखाई नहीं दिया, क्या आश्वासन दिया आयुक्त साहब ने? नहीं, महानगर पालिका में हमारे एक कार्यकर्ता ने यहाँ पे दिया था महानगर पालिका लेटर, उस ताल्लुक से कमिश्नर ने कहा है कि अब जो है ये हमको अभी जल्दी ही चालू हुआ है, 15-20 दिन हुआ है ब्रिज को ऑफिशियल चालू होते हुए, तो इंशाल्लाह ताला ये ब्रिज चौक का काम जल्द हो जाएगा। दूसरा है मेकता बंजार पार्टी नाके पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू माजी प्रधान, इनका जो चौक था उसके आसपास जगह तंग हो गई है, साफ सफाई नहीं रहती, अतिक्रमण कुछ हुआ है, उस ताल्लुक से भी उन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ जल्द से जल्द जो है इसका वहाँ पर आजू सराउंडिंग जो है इसको अच्छा बनाएं। तीसरा एक अहम मुद्दा जो है हमने कमिश्नर साहब से डिस्कस किया डिटेल में कि भिवंडी में ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है, बंजार पार्टी नाके का एरिया है, नजराना कंपाउंड का एरिया है,
आपके जो है दामन का नाके का एरिया है, ऐसे बहुत से पॉइंट मंडई है, यहाँ पर एक से डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक जाम होता है। कमिश्नर साहब ने इसमें कहा है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि कमिश्नर साहब शहर जो है महानगर पालिका के अंडर में आता है और पुलिस से बात करनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस से। उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस को कहा था, ट्रैफिक ACP को या ट्रैफिक DCP को, तो उस वक्त उन्होंने कुछ प्लान बनाने की बात की थी। अभी फिर हम लिख रहे हैं उस DCP का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट हमने कहा कि अपनी जगह कायम है। तो जल्द से जल्द भिवंडी में जो ट्रैफिक का मसला है, DCP ट्रैफिक के साथ मीटिंग लेकर कहाँ वन वे करना है, कहाँ टू वे करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है और हमारे जो रोड हैं वो टू वे ट्रैफिक के लिए सभी रोड जो है सक्षम नहीं। सर देखा जाए तो जो ट्रैफिक जो गर्मी जो भी आज चालू हो चुकी है, इसमें ऐसी गाड़ियों से कई धूल मट्टी भी आ रही है रोड पर, सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस ताल्लुक से भी हमने कहा है कि तुरंत जो है बारिश खत्म होने के बाद रोड पर मट्टी वगैरह रहती है, जो खड्डे पड़े हैं उसका कम से कम पैच वर्क का काम जो है शुरू हो जाना चाहिए। कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है, हमसे कहा भी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत जो है पैच वर्क का काम एटलीस्ट शुरू करने का वादा किया है। कुछ रोड जो है जैसे कामतगर का रोड है तो ईगल का वहाँ ड्रेनेज का काम होना है, उस रोड का काम जो ईगल के साथ जो है काम होने के बाद जो है वहाँ काम होगा। पानी के मुद्दे पर भी तफसील से हमारी बातें डिटेल बात हुई है, हमारे कॉरपोरेटर हैं, शाह हैं, हमारी क्या नाम है सुखसाना कुरैशी है, इन लोगों ने कहा कि कुछ एरिया में जो है दो दिन में एक बार पानी आता है, कहीं तीन दिन में एक बार पानी आता है, समत नगर का इन्होंने उल्लेख किया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ सबको एक जैसा पानी मिलना चाहिए। यह भी बताया गया वहाँ पर कि बरौला के टैंक से एक दिन पानी आता है, कुछ स्टेम से आता है, तो ये सब में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सभी कॉरपोरेटर हमारे जो हैं इनके साथ वाटर वर्क्स के इंजीनियर के साथ बैठकर इसमें ठोस फैसला लिया जाए।